हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और गाइस, इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़ाया था वो पढ़ाया था अपन ने पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट के जो मेथड से उसके अकाउंट अपन ने इसमें समझाए थे, जिसका अपन ने एक इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट किया था। तो गाइस, आज अपन जान लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे दी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, अगर अपन इसके बारे में समझें तो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed only if the mention under the partnership deed। तो गाइस, ये जो पार्टनरशिप डीड के बारे में उन्होंने कहा मेंशन, मतलब कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड तभी होगी जब पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन होगी कि हाँ भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के बारे में, यानी उनकी कैपिटल पर। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही रहेगा कि मेंशन रहनी चाहिए किसमें, पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है तो अपन को आगे इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन मेंशन है तो फिर अपन को इसमें आगे बहुत सारा काम करने का है। जिसमें इसमें पहले लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, यानी कि इंटरेस्ट जो मिलेगी वो किस पे मिलेगी, आपको ओपनिंग कैपिटल पे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस पे दी जाएगी कैपिटल के। अब ऐसा नहीं है कि केवल ओपनिंग बैलेंस पे दी जाएगी, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल भी लगाई है ड्यूरिंग द ईयर तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर उसने कैपिटल विथड्रॉन किया है तो जितनी कैपिटल उसने विथड्रॉन कर लिया उस पर उसको इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब उस पर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो गाइस, ये वाली पॉइंट अपन को अच्छे समझना, ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाएगा, बट इफ द एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फॉर द पीरियड इन हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस। मतलब जितने टाइम के लिए एडिशनल कैपिटल रही टाइम, उतने टाइम के लिए उनका इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी, नॉर्मल कंसेप्ट है जो आप लोगों ने 10th 12th में जिसके क्वेश्चंस करते हैं ना, अपन लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और यानी कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वही इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है यहाँ पर भी। बस फर्क इतना ही है कि पहले से कैपिटल जो लगी है उस पर दे देंगे, यानी ओपनिंग कैपिटल पर। उसके अलावा अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस पर भी इंटरेस्ट दे देंगे, और अगर कैपिटल विथड्रॉन किया है मतलब कैपिटल निकाल ली है पार्टनरशिप फर्म से तो उस पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गाइस अपन बात कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल सबसे पहले एट द एंड, अगर सपोज दैट मान के चलते अपन को कोई क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो अपन को ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से निकालनी है, तो कैपिटल एट द एंड में अपन लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग अपन कर देंगे जी एड। जबकि अपने को पता है कि ड्रॉइंग लेस होती है, लेकिन वो होती है ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग लेस, लेकिन या तो क्लोजिंग अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो अपन को उल्टे सिस्टम से चलना पड़ेगा, अपन को ड्रॉइंग ऐड करनी पड़ेगी, एडिशनल कैपिटल अपन को लेस करनी पड़ेगी और करंट ईयर का प्रॉफिट अपन को लेस करना पड़ेगा, तब जाके अपनी ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि जब ओपनिंग कैपिटल होती है तो उसमें अपन लोग ऐड करते हैं क्या, एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं प्रॉफिट और लेस करते हैं ड्रॉइंग, ये तब होता है जब ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है तो हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन के अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो उसमें अपन को उल्टा सिस्टम करना है, यानी उसमें ड्राइंग ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे और करंट ईयर के प्रॉफिट को भी लेस करेंगे, तब जाके अपनी ओपनिंग कैपिटल आएगी। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस, अपन बात करेंगे प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जिनको अपन को अच्छे से जानना है, और इसके अपन एक इलस्ट्रेशंस भी लेंगे। ठीक है, सिचुएशन को समझेंगे, इसका प्रोविजन समझेंगे। इसमें गाइस फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान के चलते पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी। सिचुएशन ये है कि पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो प्रोविजन ये रहेगा कि अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट विद रिगार्ड्स टू इट्स ट्रीटमेंट एज चार्ज इज एप्रोप्रिएशन। अब इस पॉइंट नंबर सेकंड को थोड़ा सा अपन इजीली वे में समझते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कह रखा है कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो उसके अंदर अपने तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, अगर पार्टनरशिप डीड में कहा गया था, यानी कि सिचुएशन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, लेकिन लॉस आया है पार्टनरशिप फर्म को, क्या है लॉस, मतलब जिस साल वो प्रॉफिट होना चाहिए था प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया, तो इसका मतलब अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी है। तो इसमें तीन प्रोविजन की कंडीशन है, जिसमें फर्स्ट अपन ने बता दिया कि इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है गाइस, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट अगर आपका बहुत सारा है, मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देनी है उससे भी ज्यादा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी की पूरी उनको दे दी जाएगी, जितनी भी उनकी इंटरेस्ट बनती है। तो गाइस ये है अपना पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये लिख रहा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एग्रीड रेट। ठीक है, तो ये अपन ने बता दिया, एग्रीड रेट का मतलब जितना उनको देना है उतना ही देंगे, मतलब ये है कि प्रॉफिट अपना
सफिशियंट रहेगा, मतलब जितनी भी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या तो उसके बराबर हो या फिर उससे ज्यादा होगा, तो जितनी भी उनकी कैपिटल बनती होगी इंटरेस्ट, उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और गाइस थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इन केस ऑफ प्रॉफिट। अब गाइस थर्ड केस आप जरा समझेंगे कि अगर मान के चलते प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज दैट 50,000 है और हमारा प्रॉफिट जो आ रहा है वो है 20,000, तो इनसफिशियंट प्रॉफिट है और अपन को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 50,000 है तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है गाइस 20,000। तो मान के चलते दो पार्टनर है और उनकी एक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और एक की 30,000, तो इनका रेशियो बनाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो यानी कितना बनेगा 2:3, यानी एक की 20,000 कैपिटल है पर इंटरेस्ट है और एक की 30,000 इंटरेस्ट है, तो इनका जो रेशियो बनेगा 2:3 बनेगा, तो जो 20,000 का जो प्रॉफिट आया उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और भाई उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। ये काम हम तब करेंगे जब प्रॉफिट इनसफिशियंट होगा। तो गाइस इसके अंदर तीन सिचुएशन है। फर्स्ट, पहला तो पॉइंट समझेंगे सिचुएशन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ पार्टनरशिप डीड में, मतलब देनी है, लेकिन पॉइंट फर्स्ट ये है कि अगर लॉस है तो नहीं देंगे, प्रॉफिट है सफिशियंट प्रॉफिट है तो जितनी भी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है वो दे दी जाएगी। थर्ड ये कि प्रॉफिट इनसफिशियंट है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनकी निकल के आई है उससे भी कम है प्रॉफिट, तो उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होगा उसमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और वही उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है गाइस, ये तब किया जाएगा जब प्रॉफिट इनसफिशियंट रहेगा। अब गाइस बात करते पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में, तो पॉइंट नंबर थर्ड का जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन्होंने कहा कि अगर मान के चलते जो इंटरेस्ट वो चार्ज करी जाएगी अगेंस्ट किससे, प्रॉफिट से, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज लॉस। अगर लॉस भी होगा तब भी पार्टनर्स को क्या दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। लेकिन इस केस में होगा क्या कि P&L appropriation ना बन के P&L account बनेगा। इसमें लिखा हुआ under such case interest on capital is debited to P&L account instead of P&L appropriation account, मतलब के P&L appropriation के account की जगह पर P&L account बनेगा। अगर partnership deed में ये बात लिखी हुई है कि interest on capital charge करनी against profit से, तो ये केस अपन को फॉलो करना है कि वहां पे appropriation account ना बन के क्या बनेगा, P&L account बनेगा। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आएगी, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में प्रोविजन एक ही है, यानी अगर पार्टनरशिप डीड में क्या है नहीं दे रखा पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो अपन को नहीं देनी है। दूसरे पॉइंट है पार्टनरशिप डीड में दे रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी, तो उसमें तीन पॉइंट है, अगर लॉस है तो नहीं देंगे और अगर प्रॉफिट है सफिशिएंट है तो जितनी भी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है दे दी जाएगी, और थर्ड है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उनकी जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगी उसी के रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वही उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगी। ठीक है गाइस, और अब आती है सिचुएशन नंबर थर्ड, तो इसमें एक ही है, यानी कि अगर मान के चलते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और लॉस है फिर भी देनी है, तो अगेंस्ट चार्ज करते हैं प्रॉफिट के, तो इसका मतलब उस जगह पे P&L appropriation की जगह पे क्या है, क्या बनेगा, P&L account बनेगा। आयोग की ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस एक नोट भी लिखा हुआ है, इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। वो जो कि अपन ने जाना है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो दो टाइप्स होती है, फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग, तो इसलिए नोट लिखा हुआ है अगर फिक्स्ड कैपिटल से मेंटेन है तो उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी वो उनकी फिक्स्ड कैपिटल पर दी जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसमें कि आपको जो सिचुएशन और प्रोविजन बताया गया है वो प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएंगे इलस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन है x एंड y आर पार्टनर एंड दो पार्टनर है x एंड y और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है अपने को 3:2, यानी कि x और y दो पार्टनर है, x है और y है, ये दो पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो दे रखा है अपने को कितना दे रखा है 3:2। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है आगे विद कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स ने कितने रुपए कैपिटल लगाई हुई है 2 लाख रुपए और वाई ने गाइस कितने रुपए कैपिटल लगाई हुई है 1 लाख रुपए, ये इनकी कैपिटल है। ठीक है, और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और ये 3:2 दे रखा है, कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 1 लाख। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है के शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, यानी कि इन्होंने 5 केसेस दिए हुए हैं और 5 केसेस को अपन को सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है गाइस साइलेंट है, तो टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹60,000। अब क्या कहने का मतलब है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और प्रॉफिट जो हुआ है ईयर का हुआ है 60,000। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी, तो उसको अपन समझते P&L appropriation account बनेगा। P&L appropriation account अपन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, P&L appropriation account अपन बनाएंगे और अच्छे से इसको समझते हैं। तो फॉर्मेट वही है जो अपन ने सिखाया था, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, ठीक है, पी एंड एल लिख सकते हैं अपन, क्योंकि पी एंड एल से आया बाय प्रॉफिट। और कितने का दे रखा है, 60,000 का, ठीक है। अब 60,000 का दे रखा है, लेकिन बोला हुआ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो 60,000 रुपए जो प्रॉफिट है, पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे करंट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल है वो फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स होती है तो यहाँ पे करंट अकाउंट पर यूज कर लेते, ठीक है, क्योंकि अब पता कैसे चलेगा कि फिक्स है। तो पार्टनर्स के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और करंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं। अब एक तो है अपना एक्स पार्टनर और एक अपना है वाई, ठीक है। जो ये प्रॉफिट आया है 60,000, इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/5 ये लेगा और 60,000 का 2/5 लेगा वाई, ठीक है गाइस। तो कितना आ जाएगा, 5 से अगर अपन इसको काटने की कोशिश करें तो ये जाएगा 12, तो 12 3 36,000 तो आ जाएगा जी एक्स का। और अगर अपन इसकी बात करें तो 24,000 आ जाएगा गाइस इसका। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। टोटल काट देंगे अपन इसका 60,000 और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट पहला पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी अगर डीड साइलेंट है तो, ठीक है। आई होप कि गाइस पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। तो सिचुएशन और प्रोविजन कंप्लीट है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी सेकंड की। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देनी है और पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड किया हुआ है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में दे रखा है, तो इन्होंने कहा है पर लॉस हो गया फॉर द ईयर 60,000, यानी लॉस कितने का है, 60,000 का। तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, लेकिन सिचुएशन में अगर ये है कि अगर लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे, यानी फर्म अलाउड नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको भी अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका एक बार अच्छे से। तो ये अपना पॉइंट नंबर, अपन सेकंड को भी उसको समझाते हैं। तो अगर अपना प्रॉफिट आता है तो वो राइट साइड आता है, अब लॉस है तो यहां आएगा टू लॉस, ब्रैकेट में पी एंड एल से है, कितने रुपए का, 60,000 रुपए का लॉस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में बोल भी रखा है तब भी। तो अब ये पूरा जो लॉस है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लिखेंगे यहां पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी क्योंकि लॉस है, तो एक्स और वाई दोनों बांटेंगे इसको, यानी कि 60,000 का लॉस है, जितना प्रॉफिट बांटते उसी रेशियो में लॉस भी बटेगा। तो 3/5 तो लेगा इसका एक्स और 60,000 का 2/5 लेगा वाई, ठीक है गाइस। तो इसको अपन काटते हैं तो 36,000 तो ले लेगा जी एक्स और 24,000 ले लेगा जी वाई, ठीक है गाइस। ये हो जाएगी सिचुएशन नंबर सेकंड। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अपन को दे तो रखा था कि पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगी, लेकिन केस क्या था कि लॉस आ गया, और लॉस के केस में अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, नहीं फर्म नहीं देती। आई होप कि सेकंड पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में। तो लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट गाइस, 10% पर एनम, ठीक है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000, यानी पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करनी है और प्रॉफिट दे रखा है गाइस अपन को 60,000, तो अपन इसको देंगे। तो इसका सिचुएशन नंबर थर्ड है, तो इसको भी समझते हैं अपन गाइस, ठीक है। अब सिचुएशन नंबर थर्ड समझिएगा, तो अपन ने अब लेगा बाय नेट प्रॉफिट लिख लो या प्रॉफिट लिख लो, ब्रैकेट में पी एंड एल लिख देना क्योंकि पी एंड एल से आता है, अपन ने आपको एंट्री बताई थी 60,000, ठीक है। अब अपने को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए लॉस है, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, फर्म ने अपने डीआर सेट डाला, एक्स को देगी और वाई को देगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, इनकी कैपिटल कितनी है 2,00,000 और इसकी कैपिटल कितनी है 1,00,000, 10% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा जी 20,000 हो जाएगा और इसका गाइस कितना हो जाएगा 10,000, ये इनकी इंटरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स को दे देंगे 20,000 और वाई को दे देंगे गाइस कितना 10,000, तो कितना हो जाएगा टोटल 30,000 की इनकी इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल हो जाएगी। उसके बाद गाइस यानी कि ये वो पॉइंट है जिसमें जो प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, यानी कि सफिशियंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको जितनी दे रही थी वो पूरी की पूरी दे चुके हैं। अब बची हुआ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। तो लेकिन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे एक्स और वाई। अभी कितना बच रहा है, 60,000 में से 30,000 जाएंगे तो 30,000 बचेंगे गाइस। ठीक है, तो 30,000 में जो एक्स है वो तो ले लेगा जी 3/5 क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है, और वाई जो है वो 30,000 का कितना ले लेगा गाइस 2/5। ठीक है, तो कितना ले लेंगे 5 6 ये तो 18,000 तो ले लेगा एक्स और 12,000 ले लेगा जी वाई। तो आई होप गाइस ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये 60,000 दोनों साइड अपन इक्वल करेंगे और ये अपना हो जाएगा जी क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन थी जिसमें प्रॉफिट सफिशिएंट है और पार्टनरशिप डीड ने कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो अपन ने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी 20,000 के एक्स को दे दी और वाई को 10,000 दे दी। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितने है 30,000 यानी 30,000 रुपए। उसके बाद भी प्रॉफिट अपने पास 30,000 बच रहा है, तो उसको अपन ने एक्स और वाई को दे दिया कौन से रेशियो में 3:2 में, 30,000 को 3:2 में बांटेंगे तो अपन का 80,000 और 12,000 आएगा। तो गाइस कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, जितना हो सके अपन को कोशिश करनी है पूरा सॉल्यूशन अच्छे से करने का। ठीक है, तो 18,000 12,000 आ गए, तो आई होप गाइस ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिखा हुआ फोर्थ पॉइंट, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी कि वही पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देनी है पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड हुआ है। और उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर गाइस कितना है 18,000 रुपए। कितना है गाइस 18,000, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो तो अपन निकल रही है कि 20 और 10 30,000, लेकिन प्रॉफिट है 18,000 यानी इनसफिशिएंट है। तो उस केस में अपन ने क्या बोला था कि इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो होगा उस प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वही उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। तो अभी इस पॉइंट को भी अपन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉइंट को यानी कि नेट प्रॉफिट जो दे रखा है अपने को वो दे रखा है जी गाइस 18,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को देनी है, लेकिन अब ये बात ये है कि इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 20,000 और 10,000 है, तो इसका अपन एक रेशियो बना लेंगे और उसी रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्या होगा उसी रेशियो में, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो अब जो एक्स और वाई इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो कितनी थी गाइस 2,10,000 इसकी, तो 20,000 थी और इसकी कितनी थी गाइस 10,000। तो इनका अगर रेशियो अगर अपन बात करें तो कितना हो गया 2:1, तो इसी 2:1 में जो 18,000 रुपए वो बढ़ जाएंगे इनकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 18,000 × 2/3 और 18,000 × 1/3। ठीक है गाइस, ये तब करना है जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है लेकिन इनसफिशिएंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो इनके एक्चुअलिटी में 20,000 10,000 है उसी उसका रेशियो बनाया 2:1 और इस प्रॉफिट को इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यही इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। ठीक है, तो 3 से 6 बच गया तो इसको 12,000 मिल जाएगी और इसे 6 इसको 6,000 मिल जाएगी और ये टोटल अपन यहां पर कर देंगे 30,000। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। यानी फोर्थ पॉइंट था जहां पे प्रॉफिट इनसफिशिएंट था, तो वहां पे अपन ने क्या करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाया। इनकी 20,000 कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है और इनकी 10,000 है, इनका रेशियो था 2:1 क्योंकि 30,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट 18,000 तो कम है, तो इसलिए इनका रेशियो बनाया 2:1 और इसी रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यही इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये है पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मतलब पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड कराया है और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया अपने को 10% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 18,000 और प्रॉफिट कितना है गाइस 18,000 का प्रॉफिट है और ब्रैकेट में लिखा हुआ चार्ज ऑन पीएनएल, यानी कि अपन को इसकी इंटरेस्ट पूरी की पूरी चार्ज करनी है, तो यहां पे अपन को क्या बनाना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह पर बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट। ठीक है गाइस, क्योंकि पीएनएल अकाउंट अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि अपन को अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अगेंस्ट प्रॉफिट से चार्ज करनी है, तो वहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह पे बनेगा गाइस पी एंड एल अकाउंट। तो इस वाले पॉइंट को भी आप देख लीजिए, तो पांचों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए एक बार इस पॉइंट को अच्छे से, यहां पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा पी एंड एल अकाउंट। कौन सा बनेगा पी एंड एल, तो ध्यान से समझना कहीं आप लोग पी एंड एल अकाउंट की जगह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिख दो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट पी एंड एल लिख दिया 18,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे फुल चार्ज करनी है पीएनएल से, तो अपन यहाँ पे एक्स का लिखा और वाई का लिखा।
ठीक है। तो एक्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 20,000 है, यानी बाहर लिख देते हैं डायरेक्ट 20,000, और वाई की जो दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे रखी है 10,000। तो गाइस टोटल कितना हो गया, 30,000 हो गया। 18,000 ही प्रॉफिट था, तो कितने रुपए का लॉस आ गया, 12,000 का। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अपन ने बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया, जो 12,000 का लॉस आया है वो पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाएगा। एक्स और वाई कौन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे गाइस, 12,000 का यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 और इसका है 12,000 × 2/5, यानी कि अपन ने पीएनएल से चार्ज कर दिया, तो इंटरेस्ट पूरी की पूरी 30,000 पूरी चार्ज करी है पीएनएल अकाउंट से। 18,000 का प्रॉफिट था, तो अभी 12,000 का जो लॉस है वो पार्टनर से कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। ठीक है, ये पॉइंट था। इसमें एप्रोप्रिएशन की जगह पे क्या बनता है, पीएनएल अकाउंट बनता है, इसको अपन काटेंगे। तो ये 5 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, यानी कि हम 12,000 को काट लेते हैं 5 से, 5 × 10 बचेंगे 4, सॉरी 2 बचेंगे, 5 × 4 = 20, तो अपना आएगा 7,200 और 4,800। ठीक है, इसका कितना जाएगा 7,200 और इसका जाएगा जी 4,800। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी, 7,200 अपन ने 3:2 में बांटते हैं 12,000 को, और ये टोटल आ जाएगा गाइस आपको कितना, 30,000 टोटल दोनों साइड का। आई होप कि बात समझ में आई होगी, यानी कि वो है, यानी कि यहां पर पीएनएल से चार्ज करना है, तो उधर एप्रोप्रिएशन की जगह पर गाइस क्या बनेगा, पीएनएल अकाउंट बनेगा। तो अपन ने 18,000 पीएनएल का प्रॉफिट लिख दिया जो कि इनसफिशिएंट था, और इंटरेस्ट पूरी की पूरी चार्ज करी है, तो जो भी डिफरेंस आया 12,000 को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप कि गाइस ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी अपन ने ले लिया है और इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी अपन ने ले लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सर गाइस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।